आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आजकल बहुत कॉमन है। सर्दियों में स्पेशली ये इंसिडेंस बढ़ जाता है, ब्रेन स्ट्रोक। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आप टॉपिक के बारे में डिस्कस करिए, स्पेशली पेशेंट के लिए, अवेयरनेस के लिए, लोगों के अवेयरनेस के लिए। तो मेरे पास कुछ पेशेंट्स थे जो हम लोगों ने आईसीयू में एडमिट भी किए थे और पेशेंट ऑपरेट भी किए थे। ऑपरेट करने के भी कई तरीके हैं और किस पेशेंट में ऑपरेट करते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, किस पेशेंट में नहीं ऑपरेट करना है, कंजर्वेटिव मैनेज करना है, क्या इनके लिए रिस्क फैक्टर रहते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ब्रेन स्ट्रोक कई टाइप, मतलब मेनली दो टाइप के माने जाते हैं, एक स्टीमिक है और एक हेमरेजिक है। स्टीमिक मतलब कोई भी ऐसा ब्रेन स्ट्रोक जो फ्लो के कम होने की वजह से हो गया, स्टीमिंग हो गई, फ्लो पूरा नहीं है वेसल के अंदर, स्टीमिंग हो गई। मेनली इस टाइम पेशेंट हेमरेजिक स्ट्रोक के भी ज़्यादा आते हैं, बीपी बढ़ा और नॉर्मली भाषा में हम लोग कहते हैं कि नस फट गई, तो हेमरेजिक स्ट्रोक जिसे हम कहते हैं। तो स्पेशली हम दो स्ट्रोक के बारे में वो कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि हेमरेजिक स्ट्रोक एंड स्टीमिक स्ट्रोक। न्यूरोलॉजी में मेनली हेमरेजिक स्ट्रोक बहुत कॉमन है, स्टीमिक स्ट्रोक जाते हैं मेनली न्यूरोलॉजिस्ट दे आर ट्रीटिंग, और उनका अलग ट्रीटमेंट भी है। स्टीमिया में स्पेशली अगर कोई मेजर वेसल कोई ऑक्लूड कर गई है तो उसके लिए हम थ्रोम्बोलाइज भी करते हैं और थ्रोम्बेक्टमी भी करते हैं, इंटरवेंशन से भी होती है। बहुत ज़्यादा हो जाए स्टीमिया और इन्फार्क्ट हो जाए ब्रेन में तो हम ऑपरेट भी करते हैं, डीकम्प्रेसिव क्रेनेक्टमी कहते हैं उनको। लेकिन यहाँ पे हम हेमरेजिक स्ट्रोक पेशेंट्स में क्या रिस्क फैक्टर रहते हैं जिसकी वजह से हेमरेज हो जाते हैं ब्रेन के अंदर, स्पेशली ठंड के मौसम में ब्रेन स्ट्रोक हो चाहे हार्ट अटैक हो, ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। स्पेशली क्योंकि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होने लगता है जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है, तो हार्ट अटैक्स कॉमन होते हैं अर्ली मॉर्निंग। स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, हेमरेज बहुत कॉमन है। इसके बहुत रिस्क फैक्टर हैं, स्पेशली हाई बीपी बहुत कॉमन इशू है। और पेशेंट का जब भी हम लोग नॉर्मली हिस्ट्री लेते हैं तो पेशेंट के रिलेटिव्स का मोस्टली ये कहना होता है कि पेशेंट जो है ना जब बीपी बढ़ता है तब हम दवाई खा लेते हैं। ये बहुत एक आई थिंक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। अगर बीपी किसी का बढ़ा देन यू हैव टू टेक रेगुलर मेडिसिन, नॉट लाइक दैट कि जब बीपी बढ़ा हाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि मुझे पाल्पिटेशन हो रहे हैं और मेरा बीपी बढ़ गया, बहुत डिफिकल्ट है इसे कहना। तो बेहतर है कि अगर कोई पेशेंट हाई बीपी ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहा है तो हैज़ टू टेक रेगुलर मेडिसिन, अदरवाइज दीज आर द रिस्क जिसके वजह से बीपी बढ़ने की वजह से पेशेंट हेमरेजिक स्ट्रोक में लैंड कर जाते हैं। दूसरा पेशेंट जो आजकल बहुत कॉमन है अल्कोहलिज्म, जिसकी वजह से भी लेफ्ट ड्रेन हो जाता है, लिवर फंक्शन ड्रेन हो जाता है, इसकी वजह से हेमरेजिक स्ट्रोक होते हैं। तीसरा स्मोकिंग है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स पे पेशेंट जैसे सिरोसिस ऑफ लिवर है और भी कारण हो सकते हैं, प्लेटलेट काउंट का जैसे डेंगू वगैरह होता है तो उसमें भी हो जाता है। पेशेंट्स जो प्रेगनेंट लेडीज़ होती हैं, आई हैव ऑपरेटेड वन पेशेंट, प्रेगनेंट लेडी थी एंड वो उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि वो एक्लेम्शिया में लैंड कर गई और उनके ब्रेन में ब्लीड हो गया, वो भी पेशेंट को हमने ऑपरेट किया था। लेकिन ये कुछ पेशेंट है जो हमने ऑपरेट किया, इसमें डायग्नोसिस बनाने के लिए कुछ मेनली दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि डायग्नोसिस बनाने के लिए पेशेंट आया कंप्लेंट कर रहा है कि मुझे वीकनेस हो रही है लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, अगर डेविएशन ऑफ माउथ हो गया है या अनकॉन्सियस हो गया, अल्टर्ड सेंसोरियम में पेशेंट, तो बेटर है अगर सडन ऑनसेट है, बहुत प्रोग्रेसिव नहीं, एकदम पेशेंट डिटोरिएट कर गया है, बेटर यू हैव टू गो फॉर द सीटी स्कैन एंड डायग्नोज व्हाट इज देयर, माइट बी इस्चिमिक और समटाइम वेसल कैन सी MCA हाइपर डेंसिटी इन सीटी स्कैन, अदरवाइज इस्चिमिक स्ट्रोक अगर है तो मोस्टली यू हैव टू गो फॉर द MRI स्कैन। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि किस पेशेंट को ऑपरेट करना है, किस पेशेंट को नहीं ऑपरेट करना है, किसको कंजर्वेटिव मैनेज करना है, ये इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट के रिलेटिव को समझाना कि हम इस पेशेंट को ऑपरेट करना है, इस पेशेंट को कंजर्वेटिव मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको शो करूँगा कि दो पेशेंट हैं हमारे पास, तो उनमें एक को ऑपरेट किया, एक को कंजर्वेटिव मैनेज किया, दोनों में अलग, दोनों बेटर हैं और वी आर गोइंग टू डिस्चार्ज देम। लेकिन किस पेशेंट को ऑपरेट करना है, पेशेंट के साथ वाले बहुत प्यारे करते हैं कि सर हमारे पेशेंट को ऑपरेट करना है, नहीं करना है, कब करना है, क्यों करना है, तो कम सम टाइम ब्लीड इंक्रीज कर जाती है तब भी ऑपरेट करते हैं। पेशेंट किस कंडीशन में आया है, उसकी एज क्या है, साइट ऑफ ब्लीड क्या है, ब्रेन के कई हिस्से होते हैं स्पेशली
सुपर टेंटोरियल पार्ट या इंफ्रा टेंटोरियल पार्ट, जैसे जो छोटा ब्रेन कहते हैं उसमें सेरिबेलम में ब्लीड है तो अर्जेंट ऑपरेट करते हैं, या फिर साइट ऑफ ब्लीड गया है, जैसे आप इसमें देखेंगे बहुत बड़ी ब्लीड है, ठीक है, इसमें अगर हम मिडलाइन से स्ट्रक्चर मार करें तो मिडलाइन को अगर मार्क करें तो इसमें मिडलाइन शिफ्ट है। पेशेंट जब आया था हमारे पास ही वॉज इन अल्ट्रासेंसोरियम, ही वॉज ड्राउजी एंड ही वॉज हैविंग लेफ्ट साइडेड वीकनेस, हेवी प्लेजिया, तो इसको हम लोगों को ऑपरेट करना पड़ा। और अब ऑपरेशन के कई तरीके होते हैं, ऑपरेशन में जैसे ये पेशेंट है तो हमको GCS देखना है, उसका पेशेंट कितना इम्प्रूव हो जाएगा वो देखना है, वी हैव टू मैनेज एंड द फैसिलिटी हैज़ टू बी अवेलेबल कि क्या करना है। पेशेंट में डीकम्प्रेसिव क्रेनेक्टमी कर देते हैं, पूरी बोन हटा देते हैं, ये हेमाटोमा निकाल देते हैं बाद में, और बोन को नॉर्मली ऑटोक्लेव के लिए या फिर एब्डोमिन में रख देते हैं, इसके बाद हम ऑपरेट दोबारा क्रेनियोप्लास्टी करते हैं। लेकिन इस पेशेंट में हम लोगों ने बहुत ही माइनर स्मॉल इंसिजन से एंडोस्कोपी, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक होल है जिससे हमने एक एंडोस्कोप पास किया और ब्लीड को सारा निकाला। ये थोड़ी थोड़ी छोटी सी ब्लीड रह गई है, लेकिन ये आई थिंक लेस देन 5% ऑफ प्रीवियस अमाउंट, इट इज इमीडिएट सिटी स्कैन है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब 3 दिन के बाद का आया है, जैसे पेशेंट पोस्ट ऑप में आया OT के बाहर तब से सिटी स्कैन है। तो ही इज फाइन, ही इज टेकिंग ओरली ऑल्सो, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्चार्ज हिम टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, डिपेंड करता है कि पेशेंट की ब्लीड कहाँ है। तो इसमें ब्लीड जो है बेसल गैंग्लिया में है, इंटरवेंट्रल को एक्सटेंशन नहीं है, इसलिए हमने वो लोगों ने ट्राई किया कि वी हैव टू गो फॉर द एंडोस्कोप। सम टाइम वी टेक द स्पेशली विद द फैसिलिटी अवेलेबल वी कैन गो फॉर द माइक्रोस्कोप ऑल्सो, एंड सम टाइम वी हैव टू गो फॉर द डीकम्प्रेसिव क्रेनेक्टमी एंड वी हैव टू रिमूव हॉल ऑफ द बोन एंड रिमूव द हेमाटोमा। दिस ब्लीड इज डिफरेंट ब्लीड, it's very deep inside, it's going to the ventricle also, so ventricle में जाने के वजह से क्या होता है कि CSF का flow रुकने लगता है, CSF का flow रुकने से patient की performance poor और poor हो जाती है। ये बहुत important है, ये thalamic bleed है, thalamic bleed as we go inside of the brain, अगर surface पे है तो उसकी performance अच्छी होती है, अगर जैसे हम basal ganglia thalamus में गए तो और difficult है, intraventricular और performance poor हो जाती है। दूसरी टीम डिपेंड करती है कि उसका पेशेंट के अंदर रिस्क फैक्टर कितने हैं, स्पेशली पेशेंट अल्कोहल ले गए, पेशेंट में प्लेटलेट काउंट कम है, लेफ्ट हैंड रेंज है, एज ज़्यादा है, साइट ऑफ ब्लीड क्या है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं पेशेंट की प्रोग्नोसिस पे। तो दूसरा आता है कि कैसे ऑपरेट करना है, तो ऑपरेट करने के कई तरीके होते हैं, जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि हम लोगों ने एंडोस्कोप से ऑपरेट किया था, एंडोस्कोप से माइनर एक स्मॉल होल बना के हम ब्लीड तक पहुँच के उसको ब्लीड पर निकाल लेते हैं। इमीडिएट पोस्ट स्कैन इसलिए कराते हैं कि पेशेंट के रिलेटिव को भी बता पाएँ कि और देख भी पाएँ कि उसमें रीब्लीड तो नहीं हुई है, इसके लिए करते हैं। पेशेंट की साथ वालों की कंप्लेंट स्पेशली रहती है कि पेशेंट कब खाना शुरू करेगा, कब चलेगा, ये एक क्वेरी बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन इसमें वक्त लगता है, स्पेशली दिस लाइफ सेविंग प्रोसीजर होते हैं, अगर ब्लीड हेमाटोमा निकाल दिया है और स्वेलिंग कम है ब्रेन के अंदर और मेडिसिन से हम एंटीएडिमा मेजर्स दे रहे हैं तो पेशेंट मोस्टली रिकवर हो जाते हैं, लेकिन स्पेशली जो वीकनेस है बीच रेयरली बोलता हूँ कि अगर वीकनेस है पेशेंट को तो इट विल टेक टाइम, फिजियोथेरेपी के बाद इट माइट इम्प्रूव, समटाइम जल्दी इम्प्रूव हो जाती है और समटाइम इट विल टेक टाइम, ठीक है। तो ये प्रोग्रेस नॉर्मली आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली अभी भी कोई पेशेंट अगर ऐसा है आपके घर में आस पास या कहीं पर भी आपको कंप्लेंट ऑफ सुनने मिले पेशेंट को सडनली एक साइड की वीकनेस हो गई है या डिविएशन ऑफ माउथ हो गया है, अल्ट्रासेंसोरियम चला गया, पेशेंट बेहोश हो गया है या वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि आपने नियर बाय डॉक्टर को देखना है। और अगर ऐसी कोई भी ब्लीड है तो बेटर होता है कि अगर पेशेंट ICU में मैनेज करें कंजर्वेटिवली भी, और अगर ऑपरेशन का इंडिकेशन है तो ऑपरेशन भी करना पड़ता है। पेशेंट ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट में बहुत ज़्यादा ब्लीड होती है, पेशेंट बहुत GCS बहुत डाउन में आते हैं तो डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन फॉर अवेयरनेस पर्पस आई एम जस्ट सेइंग दैट इट्स पॉसिबल यू गेट टू डू विद द एंडोस्कोप, दीज आर द सर्जरी वी कैन डू विद द एंडोस्कोप एंड पेशेंट कैन डिस्चार्ज ऑन द सेकेंड डे थर्ड डे।
थैंक यू ऑल।